नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यूकेडिन स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट आ गई है। दोस्तों अपडेट बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी सूचना है। 2600 पदों पे भर्ती है दोस्तों, वो भी दोस्तों क्या है, बिना परीक्षा भर्ती। हर पंचायत में ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो आप क्या करना, अंत तक देखना तो सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी। बिना परीक्षा के नौकरी मिल रही है आप लोगों को। चलिए दोस्तों पूरी जानकारी जानते हैं। वैसे तो जो ये भर्तियां निकाल रही है सरकार 2600 पदों पे, ये बहुत गलत कर रही है बेरोजगारों के साथ। शर्म आनी चाहिए इस हिसाब से तो इनको, ठीक है। क्योंकि प्रियंका गांधी जी कहती है कि संविदा पे भर्तियां ना निकाली जाए, और ये जो है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी संविदा पे जो है भर्तियां किए जा रहे हैं। घोषणा की थी 2100 जयन के परमानेंट निकालने की पंचायतों में, निकाल रहे हैं 2200 संविदा पे। जानते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ जानकारी दिए लोकेश शर्मा जी, आप जानते होंगे इन लोकेश शर्मा जी कौन है। ये ओएसडी है दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, ओएसडी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। तो उन्होंने जानकारी दिए दोस्तों, क्या जानकारी दिए आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, और सभी विद्यार्थियों को जो है बहुत बहुत बधाई हो कि जो है सालासर धाम की जो है आज जो है तीन लोग जो यहाँ पर देख सकते, कौन सी जयंती इनकी 269वीं ऐसे कुछ जयंती, मतलब यहाँ पर जो है रखे गए थे सालासर बालाजी, ठीक है। आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। लोकेश शर्मा जी ने यहाँ पर कुछ जानकारी दी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना हो जाती है सभी के लिए। क्या है, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। थोड़ा सा आप चलिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों जानकारी, लोकेश शर्मा मनरेगा के तहत संविदा पर भरे जाएंगे 2600। जो मनरेगा है यानी कि नरेगा में दोस्तों 2600 पदों पे भर्ती किए जाएगी, 2600 पदों पे भर्ती होगी। क्या होगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, ये यहाँ पर देख सकते हो। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ ब्लॉक में और पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी कि JTA, ठीक है, JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर 2200 पदों पर भर्ती होगी। लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। संविदा के आधार पर भरे जाने की मंजूरी दी गई है। उक्त कार्मिकों को मानदेय महात्मा गांधी नरेगा मद से ही दिया जाएगा, ये जानकारी आप लोग देख सकते हो। इस स्वीकृति से योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को गति मिलेगी, रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे। ये जानकारी दोस्तों लेटेस्ट है 4:40 24 अगस्त की लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों को देख सकते हो। ये जानकारी आप लोगों के लिए थी, परंतु यहाँ पर जो प्रियंका गांधी जी वो कहती है कि संविदा नौकरियों से सम्मान विदा, 5 साल की संविदा युवा अपमान कानून। परंतु हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी और आप देख सकते हो यहाँ ओएसडीजी जो है लोकेश शर्मा जी, इन्होंने जानकारी दी है कि संविदा पे भर्तियाँ कर रहे हैं 2600 पदों पे, जो कि सरासर बेरोजगारों के साथ साफ साफ अन्याय दिख रहा है। क्योंकि यदि 2100 पदों पे दोस्तों इन्होंने घोषणा की थी, बजट दोस्तों बहुत पुराना है, 2019-20 के करीब का जो बजट है उसमें ही घोषणा की थी, परंतु आज 2023 हो गया है आपको पता है, परंतु घोषणा पूरी नहीं हुई है। इससे जो जिन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है उनके दोस्तों भविष्य का जो उनकी जो उन्होंने सोचा था कि हमने इंजीनियरिंग करके हम जो है जयन बन जाएंगे, वो उनका सपना अधूरा साक लग रहा है। परंतु क्या ही कर सकते हैं, अब संविदा पे तो भरना ही पड़ेगा, बेरोजगार है तो क्या ही कर सकते दोस्तों। अब JTA के लिए यहाँ पर जो योग्यता होगी वो BTEC और डिप्लोमा होगा, उसके अलावा यहाँ पर इसके लिए जो है आपके लेखा सहायक है तो इसके लिए अकाउंट्स वगैरह है आपके पास, तो आप जो है आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इनके आवेदन कब से चलेंगे वो सारी जानकारी लगातार आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। अपडेट पाने के लिए दोस्तों PDF वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई अकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें सभी विद्यार्थी, और आगे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसे ज़रूर देखें।
आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। आपको यहां पर चक्षु प्रकाशन दे रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की सबसे अच्छी बुक, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगी। एग्जाम पैटर्न पे आधारित बुक ये राजस्थान की पहली बुक है और सबसे बेस्ट बुक है। ये अन्य पुस्तकें जितनी भी है मार्केट में उन सबसे श्रेष्ठ बुक है ये। आप देख सकते हो इस बुक में आपको मिलने वाला क्या क्या है। 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल आपको सॉल्यूशन सहित। उसके अलावा 5 आपको सोल्ड पेपर मिलेंगे, जो आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, पुराने पेपर आपको 5 वो मिलने वाले। इस प्रकार 20 पेपर आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो आगे आप देखिएगा, इसका विवरण भी आपको बताऊंगा। तो चलिए ये देखिए, और आप लोग सर को फटाफट से संपर्क कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए आगे और बता देता हूँ विषय सूची क्या रहने वाली है। तो विषय सूची रहने वाली है 5 तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर रहेंगे, उसके अलावा आपके 15 प्रैक्टिस सेट पेपर रहेंगे यहाँ पर, जो कि इस प्रकार से, जैसे कि आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये पेपर है, पहले तो क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन दे रखा है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन दे रखे थे और फिर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो चक्षु प्रकाशन की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अन्य बुक के कंपैरिजन में आप कंपैरिजन करें तो सबसे जो अच्छी बुक है अभी तक मार्केट में वो यही है। और दोस्तों हमने सर्वे किया है तो सबसे अच्छी बुक यही प्राप्त हुई है और यही बुक है। तो इसलिए अभी तुरंत इसे खरीद लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है।